वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, और इसी के साथ सबसे पहले देख लेते हैं हमने जो अखंड जो जलाई है उसमें ऑयलिंग वगैरह सब सब कुछ है अभी। टाइम टाइम पे चेक करना रहता है ताकि बुझे ना, क्योंकि ये 9 दिनों तक लगातार जलता रहेगा। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि और कोई घर में है नहीं। और मेरे पति देव जी का है 9 दिन का फास्ट, तो इसीलिए सिर्फ अपने लिए बनाना है। और मैं अभी बना रही हूँ अपनी फेवरेट, इस सीज़न में पहली बार ही खाने जा रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। कल मेरा बड़ा मन कर रहा था तो मेरे पति देव जी लेकर के आए मेरे लिए आलू मेथी। यहाँ पर मैंने साफ़ कर ली है मेथी, अब इसको कट करना है, फिर धुल करके हम बनाएंगे सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने से पहले थोड़ा सा मीठे की क्रेविंग चल रही है अभी, तो खा लेते हैं गुलाब जामुन, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये है मेरा गुलाब जामुन, तो खा लेते हैं फटाफट से। फिर गुलाब जामुन खाने के बाद से मैं लग गई अपने काम में। तो यहाँ पर मेथी की डंडियाँ मैंने तोड़ रखी थी, बस हमें मतलब मेरे को सिर्फ कटिंग करना था, तो मैं यहाँ पे मेथी सोया मेथी कट करूँगी। मतलब मुझे सोया मेथी इतना ज़्यादा पसंद है ना, इतना ज़्यादा कि पूछो नहीं। चाहे वो सोया मेथी की सब्ज़ी हो या सोया मेथी का पराठा हो, मतलब बहुत 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 पसंद है। उतना मेरे घर में कोई नहीं खाता, इसलिए सब मेरे को चढ़ाते रहते हैं, घास फूस खाती रहती है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज मेरा मन किया बनाने का, तो कल मेरे पति देव जी लेकर के आए तो मैं आज बना रही हूँ। मेरा बड़ा मन था खाने का। और फिर कटिंग के बाद से यहाँ पर मैंने सोया मेथी बनाने के लिए आ गई। सोया मेथी को मैंने धो लिया और मिर्चे जीरे का तड़का दे दिया मैंने। और उसके बाद से सबसे पहले मैंने सोया मेथी डाला। आलू मैं थोड़ी देर के बाद से डालूंगी, क्योंकि क्या होता है सोया मेथी या पालक किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बनाओ, आलू साथ ही साथ डाल दो तो उसमें जो पानी होता है उसकी वजह से आलू एकदम मतलब आलू का एकदम भरता बन जाता है। इस वजह से आलू थोड़ा सा सोया मेथी जब पक जाएगा तब डालूंगी। तो अभी सिर्फ सोया मेथी डाल करके और इसको अच्छे से चला देंगे।
और उधर जब तक सब्ज़ी हो रही थी तब तक मैंने सोचा इधर साथ ही साथ रोटी भी बना लेते हैं कि सब्ज़ी बनेगी तो फटाक से खा लेंगे, क्योंकि सोया मेथी के नाम पे मतलब मेरी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इंतज़ार नहीं हो रहा था। सो फटाफट से यहाँ पे मैं रोटी भी सेक ले रही अपने लिए, और जब तक सब्ज़ी होगा तब तक रोटी भी बन जाएगी, फिर खा लेंगे। एंड फिर इतने सब्र के बाद से मैं खाना खाने बैठी और फटाफट से खाना खा लेते हैं। फिर आज आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखानी है, तो उसके लिए भी बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। सो खाना खाने के बाद से अभी मैं थोड़ी देर सोऊंगी, उसके बाद से अगर नींद आ गई तो सोऊंगी, और उसके बाद से फिर आगे मिलेंगे आपसे। बहुत दिनों से मैं ऐसे रेडी होकर के अपने रील्स की शूटिंग नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा साड़ी पहनने में बहुत आलस सा आ रहा था, तो आज मैंने फाइनली सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, आज मेरा मूड बन गया तो सो मैं साड़ी वेड़ी पहन करके रेडी हो गई हूँ। और थोड़ा सा साड़ी में अभी मुझे ऑकवर्ड भी लग रहा है मेरे पेटू की वजह से, लेकिन मैंने सोचा चलो आज कर ही लेते हैं। तो और आज मैं आपको अपने अपना एक सेटअप दिखाती हूँ जो मैंने अपनी शूट के लिए एक सेटअप तैयार किया है। बहुत वैसा भी नहीं है कि हाँ एकदम मतलब प्रोफेशनल हो, बट हाँ छोटा सा मैंने सेटअप तैयार किया है, आपको दिखाऊंगी अभी, फिर आप कमेंट करके बताना कि मेरा सेटअप कैसा है एंड मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो ये है मेरा छोटू सा सेटअप, जहाँ पर ये जो बांस की वो आते हैं टाटी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आई डोंट नो। सो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, और अभी इसमें मैं ये जो आर्टिफिशियल लीव्स आते हैं इन्हें लगा रही हूँ, जो अभी मेरे पास अवेलेबल है उन्हें लगा रही हूँ। धीरे धीरे इसको और अच्छा डेकोरेट करेंगे। सो तब तक वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छा एक लोकेशन हो गया, और धीरे धीरे जो पीछे की दीवार है इन्हें भी हम कुछ इसकी इसका जुगाड़ पानी करेंगे जल्दी ही। सो धीरे धीरे अपना सेटअप अच्छा सा तैयार कर लेंगे, आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा मेरे सेटअप में। सो अभी मेरे पास यही है, ये छोटा सा मैंने रेडी किया है, मैंने नहीं मेरे पति देव जी ने आइडिया दिया, ये रखा हुआ था तो उन्होंने बोला चलो तुम्हारे वीडियोज़ के लिए ऐसा कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, इससे अच्छी बात और क्या होगी। सो यहाँ पर अभी मैं लीव्स लगा रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से ये लगा तो बहुत टाइम हो गया लगे हुए, लेकिन वीडियो बनाने में यहाँ पर आज आ रही हूँ तो लीव्स वगैरह मैं आज ही लेकर के आई हूँ तो लगा रही हूँ। सो आप लोग बताना कि कैसा लगा मेरा ये छोटा सा, मेरा नहीं मेरे पति देव जी का छोटा सा ये क्रिएटिव आइडिया। सो
मैंने ये सेटअप तैयार किया है। आओ इधर आओ, आओ इधर आओ। ये लड़का मेरे वीडियो के टाइम पे मुझे बहुत परेशान करता है। तो ये था मेरा छोटा सा सेटअप जो मैंने अभी अपने वीडियोस के लिए रेडी किया है, एंड धीरे धीरे इसमें और थोड़ा सा बढ़ोतरी करते जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ ऐड करते जाएंगे इसमें और अच्छा बनाने के लिए। सो अभी ये थोड़ा सा नॉर्मल सा सेटअप रेडी किया है कि तब तक के लिए मेरी वीडियोज़ अच्छी शूट हो पाएँ, बाकी फिर धीरे धीरे आगे इसको अच्छा और करेंगे। सो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट